रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी गया नहीं। ओ मिस, ये इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं। क्या इम्पोर्टेंट पेपर्स? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स नहीं है। ओ नो, तेल मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? ओ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि मैं तुमसे बात करना चाहता था, अकेले तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि हम एक दूसरे को और करीब से समझ सकें। ओ, तो मैं भी सीधा पॉइंट पे आती हूँ। बोलो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमारे रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहती हूँ। यस यस यस। शुगा शुगा? ओ, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाहता था। Okay, now we are in relationship. Also, I like you. I like you too, my fiance. Oof, my soon-to-be wife. हाँ, ये दिल है मेरी, तुझको ही सोचेंगे अब हम, रोशनी ये तेरी ख्वाबों में रख। आज मैं इन फाइल्स के लिए यहाँ आया ही क्यों? My single life. मैं थक गई, मैं भी। मुझे इस डॉक्टर वाली लाइफ से अब आराम चाहिए। मुझे भी। हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दुल्हन बनने वाले हैं, और देखो हम कितने बिजी हैं। सही कहा? वाह वाह, वो देखो, ये कितने हैंडसम एंड कूल हैं। ओनली माय मैन इज हैंडसम। ओनली माय मैन इज हैंडसम। ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ, ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਇਹ ਸਹਿੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ, ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ, ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? मेरा एनर्जी चार्जर आ गया, मेरा भी। लेट्स गो, अपनी गर्ल्स को यहाँ से किडनैप करके ले चलते हैं अब भी। ओके लेट्स गो। लेकिन मुझे लगता है हमें उन दोनों को किडनैप करने की जरूरत नहीं है। मेरी वाली को किडनैप करना इजी है, वही बात तुम्हारी वाली की, सो इट्स हार्ड। मुझे देखने के बाद मेरी वाली डायरेक्टली मेरे ऊपर जंप करेगी। ये डॉक्टर भी ना, मैं थक गई हूँ और अपने हैंडसम से मिलना चाहती, और लेकिन ये इंसान भी ना, ये चाहता है कि मैं इसे कंपनी दूं। हैंडसम जल्दी आओ ना, ऐसा लगता है तुम अभी भी बिजी हो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी दे दी थी, फिर भी हैंडसम, तुम इस बार सरप्राइज क्यों नहीं हुए जब मैंने तुम पे जंप किया? तो माय परवर्ट एलियन, अब मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ, तुम कब क्या करती हो। डॉक्टर टे, क्या आप मेरे साथ नहीं आएंगी? कहाँ? ये चाहता है कि मैं इसके साथ पार्टी में आऊं। मेरी वाइफ तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? उसका हस्बैंड उसके लिए काफी है। हस्बैंड? वाइफ? मतलब दादी, मॉम, डैड ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए छुट्टी ले लूं, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ हफ्तों की छुट्टी ले ली है। ओके लेट्स गो, फाइनली अब मुझे कुछ आराम करने को तो मिलेगा। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। लीजा, ते? देखो अभी जंगकुक ने भी ते को कैरी कर रखा है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मेरी वाइफ ने मुझ पे जंप किया था,
नेक्स्ट टाइम मैं भी जंप करूंगी अगर ये मुझे ऐसे ही कैरी करेगा तो। मैं वेट करूंगा बेबी। हम जा कहाँ रहे? डेट पे बेबी, डेट पे। देखो मेरी लिपस्टिक कहाँ है? मेरा फेस देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही पेशेंट हूँ। आइश, लेट्स गो द अम्यूजमेंट पार्क। ओके, वाओ बिल्लू मोची भी आए हैं। हाँ वो भी यहाँ डेट पे आए हैं। ए, तुम भी आ? हाँ मैं भी आई। तुम जानती हो मैं और बिल्लू भी अभी रिलेशनशिप में है। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ अभी जा। एक्साइटेड हो रही थी। हाँ मुझे डर लग रहा है, चलो कुछ खाने चलते हैं। शुगर कैरी मी, मैं चल नहीं सकती। सो टेस्टी तुम्हारा खाना, कुछ ज्यादा ही टेस्टी क्यों लग रहा है मुझे? तुम्हें अभी और चाहिए? हाँ ये लो। वाह I'm full. क्या कर रही हो तुम? जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ, आज मैं मोटी नहीं दिख सकती ना। तुम बिल्कुल स्लिम फिट हो मेरी बच्ची, अब रेडी हो जाओ। मॉम आप मुझे आज चिल्लाइए तो मत। ओह गॉड, ये अभी भी अभी बच्ची है। मेरा फेस हैंडसम तो लग रहा है ना? तुम मेरे बेटे हो तो तुम हैंडसम तो लगोगे ही। या डैड यो योर। तुम अभी भी रेडी नहीं हुए हो? मैं अपना फेस देख रहा था, अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ। बाय बाय। अभी मुझे अपनी एक और बेटी को देखने जाना है। मॉम देखना कौन सी ड्रेस पहनू आपने, मेरे लिए इतनी सारी ड्रेसेस लाई हैं। ओ तो तुम अभी भी रेडी नहीं हुई हो? अब मैंने क्या किया सडनली आप मुझे क्यों चिल्लाने लगी? मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ ना मॉम, देखा ना मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ? यप तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, डॉल की तरह हैंडसम। तुम इस ड्रेस में नहीं दौड़ सकती, ये हैवी है, तुम गिर जाओगी। ठीक है तो मैं बैठ जाती हूँ। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और बाकी सब मेल्स को साथ में रहने के लिए कहा है ना दादी ने? तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया तो मेरी चटर पटर बोलना बंद करो। मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम कितनी गॉर्जियस लग रही हो। ब्रैट, उप्स लगता है दादी आने वाली है। अब मैंने तुम्हें देख लिया सो अब मैं जा रहा हूँ। अब जाओ। ब्रॉट यू आ दादी, नहीं मेरे साथ आओ। मैंने तुमसे कहा था ना तुम अभी उसे नहीं देख सकते। दादी बस इसका हैंडसम फेस मत बिगाड़ना। ब्रॉट तुम उससे नहीं मिल सकते। ओह नो, चलो अब बाहर चलते हैं। फाइनली, चलो तुम नर्वस नहीं हो रहे? नहीं मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा दिल धड़कना ही बंद कर दे? मुंह साफ कर दिया,
आयुष तुम दोनों बंद करो अब चलो। ओके मैं तो कब से रेडी हूँ। हाँ चलो। वाह लीजा जिमी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ हम तो खूबसूरत लगेंगे ही क्योंकि हम आज ब्राइड जो है। ओके ओके कम नाउ यो लेट्स गो। और अगर तुम बाहर नहीं गए तो तुम्हारे हस्बैंड्स यहीं आ जाएंगे। ये लोग मेरी सारी फ्रेंकिस भी तुम्हारी हैं। ये लोग परवर्ट एलियन कंट्रोल। वाओ यू लुकिंग सो हैंडसम माय लव। ओ मेरा दिल फिर से तेजी से धड़क रहा है। ये तो अच्छा है ना। तुम भी बहुत गॉर्जियस लग रही हो माय बेबी। मैं इतनी गॉर्जियस तो लगूंगी क्यों नहीं। वाह यू लुक सो ब्यूटीफुल। तुम भी हैंडसम एंड हॉट लग रहे हो। ये सब एक दूसरे से फ्लर्टिंग करने आए हुए हैं। कम से कम सेरेमनी स्टार्ट होने का तो वेट कर ले। लेट्स स्टार्ट। जल्दी स्टार्ट करो। सो मिस तेयोंग, मिस जिमिन, मिस लीजा, डू यू ऑल? यस आई डू। मिस्टर जॉन जोंगू, मिस्टर होसोग, मिस्टर जियोन योंगी, यस आई डू। ब्राड्स थोड़ा तो इंतजार और कर लो। मैं आपको लॉफली वेडेड कपल अनाउंस करता हूँ, ब्राइड एंड ब्रागूम्स के। ओ तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। या फाइनली शादी हो ही गई। तुम सबने मुझसे पहले शादी कर ली। अगला नंबर हमारा है बेबी। मैं इंतजार करूंगी लव। गर्लफ्रेंड हमारा नंबर कब आएगा? जब मैं डेट फिक्स करूंगी तब। अब इनको जाने दो और एंजॉय करने दो। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। चेन अटक गई है। चैन ओपन करो ना। वो ही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तुझ से मचली भी हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। बिना भी कभी तुझ से मचलती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। जंप करती रहती हूँ। ओके ओके अब नहाने जाओ। तो मुझे नहला दो ना, कल रात की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, आलस आ रहा है। लेजी गर्ल। या वेक अप। नहीं मैं नहीं उठ सकती। मैंने तुम्हें एनर्जी दे दी है, नाउ वेक अप। ओके
ये अच्छा तरीका है ना नहाने में हेल्प करने का। बोगम और जैनी भी शादी कर लेते हैं। मिस जिन हमने सुनाया आपने शादी कर ली है। पहली बात तो ये मैं अब मिसेस हूँ और हाँ मैंने शादी कर ली है। ये भी सच है कि आपको शुगर डैडी मिल गया है। अब आए ना मेरा दिमाग खराब करने वाले बंदे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये बात बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपको कोई शुगर डैडी मिल गया है। माय डियर रिपोर्टर्स, ये मत भूलो कि मैं किम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है किम फैमिली की बेटी इतनी गरीब है जिसे शुगर डैडी की जरूरत पड़ेगी? और मेरी चॉइस इतनी भी गिरी हुई नहीं है जो किसी बूढ़े आदमी से शादी करूंगी। बाय बाय, नो मोर क्वेश्चंस। वाओ, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर ग्रेट बिकॉज़ आई एम वर्ल्ड वाइड ब्यूटी। आयश, अपनी इतनी ज्यादा तारीफ मत करो। लेट्स गो वाइफी। हाँ चलो, फाइनली अब मुझे आराम करने को मिलेगा। मेरा हैंडल अभी यहाँ नहीं है ना, इसलिए मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। दादी, आई एम होम। मैं भी आ गई, मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा। आयश, तुम फिर से दौड़ रही हो, तुम गिर जाओगी। हैंडसम, ऐसा लगता है तुम्हें मेरी ये जगह ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम मुझ पे जंप करती रहती हो। यप यप, वैसे मुझे तुम्हारी हर जगह बहुत पसंद है। परवर्ट, आउच। ओके ओके, नॉटी किड्स, आ जाओ डिनर करो। जब से टेयर और जिमी यहाँ आई है हमारे मेंशन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, हमेशा बातें होती रहती हैं, चटर पटर चटर पटर। ऑल क्रेडिट गोज टू मी एंड जिमी। हाँ हाँ, हम ही तो हैं जिनकी वजह से ये घर महकता रहता है, चहकता रहता है। ओके छोटी बच्ची, यहाँ आओ डिनर करो। छोटी बच्ची, मैं तुम्हारी तो छोटी बच्ची हूँ ना, सो मेरा अच्छे से ध्यान रखा करो। ओ, फिर से यहाँ नहीं है, मुझे उसे सोते हुए किस करना है। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। मेरा सारा प्यार इस बनाना मिल्क में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारी हॉट बॉडी और मेरी चॉकलेट्स, आई मीन तुम्हारे एप्स देखने आई हूँ। तुम अभी भी थरकी की थरकी ही हो ना? ओके, वो तो मैं हूँ, तुम्हारी एक्सरसाइज करने में हेल्प करती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे थरके माइंड में कुछ तो चल रहा है। और करो ना। तुम्हारा बनाना मिल्कशेक मेरे प्यार से भरा हुआ है। इस बार क्या मिलाकर लाई हो तुम? लास्ट टाइम तुमने इसमें नमक मिलाया था। मैंने कहा ना ये बनाना मिल्क है, मेरे प्यार की मिठास से भरा हुआ, अब पियो। क्यों इसका मूड चेंज होता रहता है? और ये शेक मैं नहीं पीऊंगा। मुझे लगता है इसमें तुम्हारा प्यार ओवरफ्लो हो गया है। सडनली वॉमिट क्यों होने लगी? तुम्हारा ओवरफ्लो लव भरा हुआ बनाना मिल्कशेक तो मैंने पिया था ना? क्या हुआ इसे? दादी पता नहीं क्यों ये सडनली वॉमिट करने लगी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है जब मैं इस फील्ड में इतनी बड़ी डॉक्टर हूँ? क्या मतलब? तुम्हारे सिम्टम्स देखकर लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम दोनों मॉम डैड बनने वाले हो। ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं ही एक डॉक्टर हूँ? या आई एम प्रेग्नेंट। इसका मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ? हाँ, ये तुम फिर से जंप कर रही हो, अब तुम प्रेग्नेंट हो। सुन, नो जंपिंग नो रनिंग। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं भी तो यहाँ हूँ। उसके बाद तेरे को चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और जल्दी ही सबको गुड न्यूज पता चल जाती है, सब बहुत खुश होते हैं। ओह वन मोर थिंग, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जिमिन ऑलरेडी 2 मंथ प्रेग्नेंट है। इसका मतलब जिमिन एंड शुगा वर सो एक्टिव इन बैड एक्सरसाइज। जिमिन, या आई एम करेक्ट,
सबसे पहले मुझे जंगकुक मिला था और जिमिन को तो सबसे लास्ट में उसका प्यार मिला था, लेकिन वो मुझसे पहले प्रेग्नेंट हो गई। इसका मतलब यू बोथ आर हॉर्नी कपल्स। परवर चुप हो जाओ। ये मुझे अपने मून स्विंग दिखा रही है, अब पता नहीं और क्या दिखाएगी। जल्दी एक और रोस्टिंग मशीन परवर्ट आने वाला है। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं, लीजा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तुम सब प्रेग्नेंट हो? हाँ, बस मैं और जिनी रह गए हैं। डोंट लाफ, तुम्हारे भी प्रेग्नेंट होने के सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। Oh yeah, we are all pregnant now. क्या हुआ? मुझे बारिश में डांस करना है। क्या? मुझे बारिश में जाना है? आसमान बिल्कुल साफ पड़ा है, मैं कहाँ से बारिश को लेकर आऊँ? यू जमीन पे जाके सो अब। गॉड, आपने मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को मून स्विंग क्यों दिए? अब मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे एक्सरसाइज करनी है। ओके, चलो मैं गाना गाती हूँ, डांस करती हूँ। बॉम्बास्टिक साइड आई हर माना खींचा ते, मुझे भी करना है हर माना। कुकी, तुम अपनी वाइफ के मून स्विंग कैसे झेलते हो? जैसे तुम झेलते हो? तुम यहाँ पामर तो से वो नहीं भोगे थे। आ मेरे कान, गॉड मेरा सर, मेरी वाइफ कहाँ है? सब जगह इतनी शांति क्यों है? आइडिया, फूड, हैंडसम, इसे ढूंढना बहुत आसान है। साफ करो, जल्दी साफ करो, मुझे उसी प्लेट में खाना है जो तुम अच्छे से धोगे। गाइस, मैं वही खड़ूस अकड़ू फेमस सीईओ हूँ जो इस टाइम बर्तन धो रहा है। आज मुझे खाना बनाना है। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ते और जिमिन को खाना बनाते देख सब डर जाते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम दोनों खाना बनाने तो गई थी, बट ब्लास्ट करके किचन के अंदर वो दोनों नूडल्स खाने बैठ गई। बाकी सब भूखे ही रह गए थे। अगर इसने दोबारा खाना बनाया तो अपना बनाया हुआ खाना देखकर ये रोने लगेगी। जिमीना, खाने का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ओके, ए फ्यू मिनट्स। ए खाने, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तो तुम जलने की कोशिश भी मत करना। ब्रो, इसे टेस्ट करना। नहीं, तुम करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। करो कुकी, इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, सूखा मसाला, पिसा मसाला, सब का मैल सब डालो। वाओ जिमिना, हमारी कुकिंग इंप्रूव हो गई। हाँ ते, मुझे स्विमिंग करने जाना है। नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो, अंदर चलो। दादी, बेबी रोना बंद करो। दादी, अपने इस पोते को बहुत पीटो, ये मुझे बुली कर रहा है। ड्रॉट। देखो, मेरी टमी बाहर आ रही है। ऑफ कोर्स बाहर तो आएगी ना, इसमें हमारा बेबी जो है। रुको, मुझे एक बार बताओ। ओह गॉड, इसके मून स्विंग फिर से स्टार्ट हो गए। तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या बेबी से? दोनों से? नहीं, किसी एक को चूज करो। ओके, तो फिर तुम्हें। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम हमारे बच्चे से प्यार नहीं करते? ते, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने अभी कहा था ना कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो इसका मतलब तुम हमारे बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, यू बैडी। ओके, मैं बेबी से भी प्यार करूंगा। क्या? अब क्या हुआ बेबी? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? अब मैंने ऐसा कब कहा? किस टाइप के पति हो तुम? लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे? बिल्लू, तुम जानते हो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बहुत मिस किया का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने तुम्हें कम मिस किया?
ओह गॉड, इसके मून स्विंग्स। बेबी तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, इतना कि मुझे हिचकी भी आ रही थी, पता तुमको। और ये ली? हाँ। ऐसे ही मंथ्स बीत जाते हैं, जिमिन एक लड़की को जन्म देती है, उसके एक मंथ बाद ते एक लड़की को जन्म देती है। ओह शी इज सो स्मॉल एंड क्यूट, आफ्टर ऑल इसमें मेरे जीन्स हैं। हाँ। और कुछ टाइम बाद लीजा एक लड़के को जन्म देती है, और जेनी एक लड़की को, और जिमी एक लड़के को जन्म देती है। वाओ, अब मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगी, हमारा घर बच्चों से भर गया है। आह फाइनली ये सो गई, तुम अपनी मॉम के जैसी हो। हमारी बेबी सो गई। हाँ तो ऐसा लगता है आज इसे मुझसे फ्लर्टिंग करने के लिए नया रास्ता मिल गया है। तुम्हारा चेस्ट बेस्ट प्लेस है, हैंसम। आई लव यू टू बेबी, माय परवर्ट एलियन। एनी चारा, एनी चारा, हम गॉट इट सॉरी, रक्त सॉरी, रक्त सॉरी। ओके आर्मी, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।